यहाँ पर हम और अच्छे से लीव्स को पेस्ट कर देंगे, ओके, लाइक दिस क्लास, ओके। एंड एक लीव हम यहाँ भी ऐड कर लेंगे, लाइक दिस क्लास, ओके। देखिए, सो ये हमारा ट्री रेडी है, एक पार्ट हमारा, इसको हम साइड में रख देंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट वाला ट्री हम ले लेते हैं, ऑटम ट्री, ओके। सो ऑटम में क्या होता है बेटा, सारी लीव्स जो होती हैं ट्री की वो येलो पड़ जाती हैं एंड लीव्स फॉल होने लगती हैं, ओके, पत्तियां झड़ने लगती हैं पेड़ों की, तो फिर इसीलिए हम यहाँ पे इस एक्टिविटी के लिए यूज़ कर रहे हैं ड्राई लीव्स, ओके, वो ड्राई हो जाती हैं ना। एंड अब हम यहाँ पे फेविकॉल लगा के फिर से इसको पेस्ट कर लेंगे, बट उससे पहले हम इसको यहाँ से बीच से पहले ही फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत क्रंची हैं, अगर हम इसको लगाने के बाद फोल्ड करेंगे तो ये हमारी ख़राब हो जाएंगी बेटा, ठीक है। सो देखिए क्लास, पहले ही फोल्ड कर लिया है हमने इसको इस तरीके से बीच से, ओके, इक्वली फोल्ड कर लिया है। अभी हम फेविकॉल लगाएंगे, फिर ये ड्राई लीव्स हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ओके। सो देखिए क्लास, फेविकॉल लगा लिया है मैंने, अब हम वन बाय वन ये लीव्स यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, ओके। देखिए इस तरीके से आपको ये पेस्ट करनी है लीव्स, ओके, वन बाय वन आप रखते जाएंगे, ठीक है, लाइक दिस, ओके। सो लाइक दिस क्लास, ये हमारा ऑटम ट्री रेडी है, ओके, इसको भी हम यहाँ साइड में रख देंगे। नाउ नेक्स्ट ट्री हम ले रहे हैं यहाँ पे, विंटर ट्री, ओके। सो विंटर ट्री में क्या होता है बेटा, वो पेड़ सूख जाता है हमारा बिल्कुल ही, एंड जो स्नोफॉल वाले प्लेस हैं वहाँ पे स्नोफॉल होती है, ओके। सो हम यहाँ पे स्नोफॉल दिखाएंगे ट्री पर, ओके, विंटर ट्री के लिए, ठीक है। तो छोटे छोटे कॉटन के बॉल्स बना देंगे लाइक दिस क्लास, एंड वन बाय वन हम यहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे, ओके, इस तरीके से कॉटन बॉल्स बनाएंगे एंड वन बाय वन यहाँ पे हम पेस्ट करते जाएंगे, ओके, सिंपल। सो ओके क्लास, देखिए विंटर ट्री भी हमारा रेडी है, इसको भी आप इस तरीके से बीच से फोल्ड कर लेंगे, ओके, लाइक दिस। आप पहले फोल्ड कर लीजिएगा, ओके, आपका मटेरियल ख़राब हो जाएगा, तो आप पहले फोल्ड कर लीजिएगा सारे ट्रीज़ को, बाद में आप मटेरियल लगा लीजिएगा, ओके। सो ओके बेटा, इसको भी मैंने फोल्ड कर लिया है इक्वली, इसको भी साइड में रखते हैं। एंड नाउ लास्ट ट्री हम लेते हैं स्प्रिंग ट्री। स्प्रिंग सीजन में क्या होता है बेटा, बहुत सारे जो हमारे ट्रीज होते हैं उनमें फ्लावर्स आने लगते हैं, ओके, न्यू न्यू डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर आने लगते हैं, न्यू न्यू लीव्स आने लगती हैं, ओके। सो फर्स्टली हम इसको सबसे पहले फोल्ड कर लेंगे, आप सारे ट्रीज़ को पहले फोल्ड कर लीजिएगा, ओके, मटेरियल लगाने से पहले आप सब ट्री को जो है इक्वली फोल्ड कर लीजिएगा, ओके, लाइक दिस, इस तरीके से अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। सो ओके क्लास, यहाँ भी फेविकॉल लगा लेंगे अच्छे से, ओके, इस तरीके से पूरे में हम यहाँ पे फेविकॉल लगा लेंगे, लाइक दिस क्लास, ओके। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस करेंगे, अच्छे से फेविकॉल लगाएंगे, लाइक दिस क्लास, ओके। एंड यहाँ पे मैं सिंपल वाले गेंदे वाले फूल यूज़ कर रही हूँ, ओके, आप कोई भी फ्लावर यूज़ कर सकते हैं, ओके, इसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे इसके पेटल्स को, ओके। एंड ये येलो वाला भी इसी में हम मिक्स कर लेंगे, ओके। नाउ इनको मिक्स करके हम यहाँ पे वन बाय वन लगा लेंगे, ओके, सभी को एक साथ करके आप इस तरीके से लगा सकते हैं क्लास, ओके, के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे लाइक दिस, ओके, इस तरीके से। सो क्लास, देखिए हमारा स्प्रिंग ट्री भी रेडी है, जो कि फ्लावर से लदा हुआ है, ओके, कि फ्लावर्स बहुत आते हैं स्प्रिंग सीजन में, ओके, हर प्लांट पे। सो अभी हम सारे ट्रीज़ को वन बाय वन इस तरीके से स्ट्रिक कर लेंगे, ओके, यहाँ फेविकॉल लगाएंगे एंड इन दोनों को हम इस तरीके से स्ट्रिक कर लेंगे, ओके। तो सबसे पहले स्प्रिंग सीजन एंड ऑटम सीजन को हम यहाँ पे फेविकॉल लगाएंगे और इस तरीके से यहाँ पे हम इसको पूरे तरीके से पेस्ट कर लेंगे, ओके। तो देखिए क्लास, इस तरीके से फेविकॉल आप लगा लेंगे, ओके, अच्छे से लगाएंगे ताकि आपका ट्री जो है वो अच्छे से स्टिक हो जाए, ओके। यहाँ भी हम नीचे तक फेविकॉल लगा लेंगे, ओके, इस
तरीके से लगाइएगा। एंड अब हम ये वाला जो ट्री है इसको इस तरीके से के साथ हम पेस्ट कर लेंगे। ओके देखिए लाइक दिस क्लास इस तरीके से। ओके सो देखिए क्लास हमारा स्प्रिंग और ऑटम एक साथ पेस्ट हो गया है। अभी हम सेम प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे, इसको इस साइड करेंगे एंड अब हम इस साइड पे भी कॉल लगाएंगे एंड ये वाला ट्री हमारा जो समर सीजन वाला है वो हम इसके साथ फिर से इस तरीके से पेस्ट कर लेंगे। ओके सो देखिए फेविकॉल मैंने लगा लिया है। अब हम ये वाला समर सीजन वाला ट्री ले रहे हैं और ऑटम सीजन के साथ हम इस तरीके से पेस्ट कर लेंगे लाइक दिस क्लास। ओके सो हमारे कौन कौन से सीजन ऐड हो गए इसमें, स्प्रिंग ऑटम एंड समर। ओके अभी क्या बचा है हमारा विंटर। ओके सो फिर से हम यहाँ ग्लू लगाएंगे एंड विंटर सीजन को इधर हम ऐड कर लेंगे। ओके सेम प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे, ग्लू लगाएंगे एंड विंटर सीजन को इसके साथ हम ऐड कर लेंगे। ओके लाइक दिस। नाउ फिर से इसको हम इस तरीके से लगा लेंगे क्लास। सो ओके अब इसको हम टर्न करेंगे क्लास लाइक दिस एंड इसको हम यहाँ फेविकॉल लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे और इन दोनों को हम इस तरीके से स्टिक कर लेंगे। ओके देखिए क्लास अब हम इसको इस तरीके से स्टिक कर लेंगे। ओके ओके सो ये एक्टिविटी आपकी कंप्लीट हो गई है, ये इजीली स्टैंड भी हो जाएगी। ओके क्लास देखिए इस तरीके से ये नीचे से स्टैंड भी हो जाएगी। ओके सो देखिए क्लास हमने कौन कौन से सीजन्स के बारे में आज पढ़ा एंड एक्टिविटी की। देखिए सबसे पहले समर, देन उसके बाद विंटर, उसके बाद स्प्रिंग एंड उसके बाद ऑटम। ओके तो ये हमारे 4 सीजन से हमने एक्टिविटी को बनाया है। ओके सो क्लास काइंडली वॉच दिस वीडियो एंड डू दिस एक्टिविटी एंड सेंड मी योर एक्टिविटी पिक एज सून एज पॉसिबल क्लास। ओके बाय एंड टेक केयर।